पूज्य संत जी ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा, ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से, और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आचार्य को फिर माफी मांगनी पड़ गई है। बार बार विवादित बयान देकर अपने लिए परेशानी खड़ी करने वाले अनिरुद्धाचार्य ने भगवान शिव और भगवान कृष्ण को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद साधु संत काफी नाराज हो गए और मामले ने तूल पकड़ लिया। पहले आपको बताते हैं कि आखिर महाराज ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद इतना बवाल मच गया। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि श्री कृष्ण का विवाह उज्जैन में हुआ, इसलिए भगवान शिव कृष्ण के साले हैं। बस फिर क्या था, महाराज ने इधर ये बयान दिया और उधर साधु संत भड़क गए। दौरान वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है उज्जैन में और भगवान महाकाल की नगरी है, इस तरह से भगवान शिव भगवान कृष्ण के साले होते हैं। अब इस प्रसंग से हमें आपत्ति है, क्योंकि इस तरह का ना तो कोई प्रसंग ना कोई प्रमाण मिलता है, ना किसी हमने बुजुर्ग से सुना है अब तक। तो यही हम ज्ञापन देने आए थे कि इनके कथा पर रोक लगाई जाए, और इनसे सार्वजनिक मंच से इन्होंने कहा है, सार्वजनिक मंच से पे ही इनसे जवाब लिया जाए कि आपने किस आधार पर कहा है। और ये पहला मौका नहीं है जब महाराज विवादों में पड़े हों। 80,000 रुपए में खरीद के लाए पत्नी को? अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से लेके आए। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती है। अच्छा जी, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1,50,000-2,00,000 वाली भी थी क्या? तो कुल मिलाकर महाराज ने फिर विवादित बयान दिया और महाराज के बयान पर हंगामा भी खूब हुआ। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।